मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग की सेकेंड यूनिट माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस में जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनके कंपैरिजन की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रश्न है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्स्ट पार्ट है क्लिस्टोन एंड रिफ्रेस क्लिस्टोन, सेकेंड पार्ट है क्लिस्टोन एंड TWD और थर्ड पार्ट है मैग्नेट्रॉन एंड TWD। तो इस प्रश्न के पहले भाग में क्लिस्टोन तथा रिफ्रेस क्लिस्टोन को आपस में कंपेयर करना है, इन दोनों के बीच में मध्य अंतर जो है वो लिखना है। दूसरे भाग में क्लिस्टोन तथा TWD के मध्य अंतर लिखना है और थर्ड पार्ट में मैग्नेट्रॉन और TWD के बीच में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्लिस्टोन एंड रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। तो क्लिस्टोन और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन दोनों ही क्लिस्टोन के दो प्रकार हैं। उनमें पहले जो टू कैविटी क्लिस्टोन क्या होता है, और टू कैविटी क्लिस्टोन इज एन एम्पलीफायर। टू कैविटी क्लिस्टोन एम्पलीफायर इज एम्पलीफायर विच इज बेसिकली अ वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब। और जबकि रिफ्लेक्स क्लिस्टोन क्या होता है, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन इज अ लो पावर लो एफिशिएंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर। इसका अर्थ ये कि टू कैविटी क्लिस्टोन जो है वो एक एम्पलीफायर है और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन जो है वो ऑसिलेटर है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन जो है वो सिग्नल जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये एक लो पावर है और लो एफिशिएंसी ऑसिलेटर है। और जो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल जो काम में लेते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का काम में लेते हैं। सेकेंड जो इसमें पॉइंट है, टू केविटी क्लिस्टोन में दो केविटी होती है, एक बंचर केविटी तथा दूसरी कैचर केविटी। बंचर केविटी इलेक्ट्रॉन्स बीम का बंच बनाती है, कैचर केविटी है वो उन बंचेस को कलेक्ट करती है। जबकि रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में एक सिंगल केविटी होती है जो इलेक्ट्रॉन बंचेस बनाती है, तो इसलिए जिसको हम एनोड केविटी भी कहते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, ये जो टू केविटी क्लिस्टोन है इसमें बेसिकली वर्किंग है, द बीम पासिस गैप ए इन द बंचर केविटी टू विच द आरएफ सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड। तो जिस आरएफ सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है उसको हम गैप ए में अप्लाई करते हैं, बंचर केविटी पर अप्लाई करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम है वो पास होती है, एंड इट इज देन अलाउड टू ड्रिफ्ट फ्रीली। इसके बाद में इसको हम स्वतंत्रतापूर्वक फ्रीली ड्रिफ्ट होने देते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ आरएफ फील्ड। उसके बाद में वापस कैचर कैविटी पे जो गैप बी है उस पर हम लोग आउटपुट है वो कैचर कैविटी पे लेते हैं। जबकि इसमें रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में बीम जो है एक्सेलरेट होती है कैविटी की तरफ, और जो कैविटी उस पर हाई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको ओवरशूट कर जाते हैं क्योंकि गैप होता है, इसलिए गैप के कारण इलेक्ट्रॉन्स ओवरशूट कर जाते हैं इन दिस कैविटी एंड कैन एंड कंटिन्यू ऑन टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड विच दे नेवर रीच। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स बीम आगे जाती है और इलेक्ट्रॉन्स बीम आगे जाके जो सामने इलेक्ट्रोड है वहां तक कभी पहुंच नहीं पाती, इलेक्ट्रॉन बीम उससे रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके पुनः वापस कैविटी की तरफ लौटती है। ये वर्किंग है रिफ्लेक्स क्लिस्टोन की। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट जो है वो इनके एप्लीकेशन और फ्रिक्वेंसी रेंज से रिलेटेड है। तो चौथा पॉइंट है फ्रिक्वेंसी रेंज जो है आवृत्ति की जो परास है वो 250 MHz से 100 GHz के बीच में होती है टू केविटी क्लिस्टोन की, 250 MHz से 100 GHz, और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 4 GHz से 200 GHz। यह जो है वो पावर आउटपुट ट्यूब में VHF टीवी ट्रांसमीटर में काम में लेते हैं टू केविटी क्लिस्टोन को, जबकि रिफ्लेक्स क्लिस्टोन को लोकल ऑसिलेटर के रूप में माइक्रोवेव रिसीवर और रडार रिसीवर में काम में लेते हैं। तो यह इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं क्लिस्टोन और TWD के बीच में अंतर क्या होता है। तो क्लिस्टोन में दोनों ही टू केविटी और रिफ्लेक्स क्लिस्टोन दोनों ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्लिस्टोन जो है वो नैरो बैंड डिवाइसेस हैं, जबकि TWD का अर्थ है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब जो है वो ब्रॉड बैंड डिवाइसेस है, ब्रॉड बैंड अर्थात इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा होती है, नैरो बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज कम है। तो नैरो बैंड डिवाइस है, ये ब्रॉड बैंड डिवाइस है, और दे यूटिलाइज केविटी रेजोनेटर एंड देयर आर नो केविटी रेजोनेटर। इसमें कोई केविटी रेजोनेटर नहीं होता TWD में, और इसमें हम जानते हैं कि केविटीज होती हैं तो इसमें केविटी रेजोनेटर होते हैं जिसके द्वारा सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं और जनरेट करते हैं।
इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल काम में लेते हैं वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का काम में लेते हैं, तो इट टू वेलोसिटी मॉड्यूलेट द इलेक्ट्रॉन बीम ओवर अ नैरो गैप, जबकि टीडब्ल्यूडी के अंदर इंटरेक्शन स्पेस जो है वो एक्सटेंडेड यानी बड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन बीम, जिससे क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी विद आरएफ वेव ओवर फुल लेंथ ऑफ द ट्यूब। टीडब्ल्यूडी में बेसिकली क्या होता है कि जो रेडियो फील्ड है हमारा, जो वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन बीम वो आपस में एनर्जी है वो एक्सचेंज करती हैं थ्रू आउट द ट्यूब। जब इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती है और आरएफ वेव भी ट्रेवल करती है, तो ये दोनों आपस में एनर्जी एक्सचेंज करती हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, जबकि क्लेस्ट्रॉन में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। इसमें जो है क्लेस्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बीम जो है आरएफ फील्ड जो इसमें स्टेशनरी रहता है, क्लेस्ट्रॉन जो है उसमें आरएफ फील्ड जो है वो स्टेशनरी रहता है, इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती है, जबकि हमारे टीडब्ल्यूडी के अंदर दोनों ही ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम भी ट्रेवल करती है और आरएफ फील्ड भी ट्रेवल करता है। फोर्थ पॉइंट है क्लेस्ट्रॉन में भी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर एंड एज एन ऑसिलेटर। इसमें दोनों ही हमारे पास में दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, एम्पलीफायर ऑसिलेटर दोनों हो सकते हैं, जबकि टीडब्ल्यूडी जो है वो एक ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है, एक ओनली एम्पलीफायर जैसे काम में लेते हैं। थर्ड है हमारा मैग्नेट्रॉन एंड टीडब्ल्यूडी। तो मैग्नेट्रॉन जो है वो एक क्रॉस फील्ड ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, जबकि टीडब्ल्यूडी जो है वो एक ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है, वह एक लीनियर बीम ट्यूब है। ये क्रॉस फील्ड है, ये लीनियर बीम है, ये दोनों में अंतर है। सेकंड पॉइंट है कि जो मैग्नेट्रॉन है वो एक हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर है और टीडब्ल्यूडी जो है वो एक ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर है। थर्ड पॉइंट है मैग्नेट्रॉन जो है उसको हम लोग पल्स रडार में लार्ज पल्स पावर्स के लिए काम में लेते हैं, जबकि टीडब्ल्यूडी जो है वह मेनली लो नॉइस लो लेवल एम्पलीफायर्स के रूप में प्रयुक्त होता है। चौथा पॉइंट है मैग्नेट्रॉन का, वो भी इनके पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है मैग्नेट्रॉन और टीडब्ल्यूडी के। तो मैग्नेट्रॉन में फ्रीक्वेंसी रेंज 500 मेगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में, जबकि टीडब्ल्यूडी में फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 0.5 गीगाहर्ट्ज से 95 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। पांचवा पॉइंट है पावर आउटपुट जो है पल्स मोड के, ये लगभग 250 किलोवाट के आसपास है और इसमें जो है आपका वो 250 किलोवाट कंटिन्यूस वेव के लिए और 10 मेगाहर्ट्ज है वो पल्स मोड के लिए है। तो ये इनके बीच में अंतर है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कंपैरिजन भी पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप इन तीनों के जो है कंपैरिजन और अंतर जो है लिख सकते हैं। थैंक यू।